दुर्गम हिमालयी भागों से लेके ये लोग मैदानी भागों तक अपना जीवन यापन करने के लिए यानी चारागाह के साथ साथ चलते हैं, और इसी बारे में हम आज आपको वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना और हमें एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हिमालयी भाग में अत्यधिक बर्फबारी जाड़ों के मौसम में होने लग जाता है, जिस कारण ये लोग मैदानी भाग में जाते हैं, जिस कारण वहाँ पर बर्फबारी ना होने के कारण और वहाँ पर आसानी से बकरियों को चारा मिल पाता है। हिमालय के ऊपरी भाग यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पे जो ये लोग रहते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन की काफी कमी होती है क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। घास छोटी होती है और इसी घास पर यहाँ बकरियां निर्भर रहती हैं, और यहाँ बारिश बहुत कम होती है। इस कारण लोग जुलाई और अगस्त के महीने यहाँ पे जीवन यापन करते हैं, जबकि ये लोग इसके बाद निचले भाग यानी मैदानी भागों की तरफ चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्दी काफी पड़ जाती है। सड़क पर पैदल चलना कितना मुश्किल होता है ये आप सभी लोग जानते हैं, जबकि ये लोग 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर पैदल यात्रा चले जाते हैं और बकरियां भी साथ में चलती हैं।
दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे भी हम आपको अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो भी पसंद आई होगी।